वायदा बाजार के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो बाजार काफी हद तक का एक स्टेबल जोन में आ चुका है। काफी सारे शेयर्स, या ये कहूं मैं कि 195 शेयरों में से करीब 20 से ऐसे शेयर्स हैं जिन्होंने अपने ऑल टाइम हाई को टेस्ट कर रखा है, यानी फ्रूट वीक हाई करनी है वो। अब कुछ ऐसे शेयर्स भी निकल के आए हैं सामने जहां पर आज ताजा खरीदारी है। आज 3 शेयरों का दाना दबदबा है। पहला अडानी ग्रुप के शेयर्स दिखेंगे, दूसरा डिफेंस के दिखेंगे और तीसरा सीमेंट कंपनीज के दिखेंगे। अडानी ग्रुप में से अडानी एंटरप्राइज में आज ताजा खरीदारी हो रही है, फ्यूचर्स में भी अवेलेबल है ये शेयर्स। इसके अलावा सीमेंट कंपनीज में जेके सीमेंट और अंबुजा सीमेंट है। अंबुजा को आप अडानी ग्रुप का भी समझ सकते हैं। तो इनमें भी आज शुरुआती बढ़त करीब 1.5 से 2% की है और ताजा खरीदारी हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स जो है वो डिफेंस के तौर पर सामने निकल के आया और यहाँ पर भी खरीदारी है। पीएफसी हमने आपको कल भी बताया था, आज शेयर के अंदर फिर से खरीदारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा 2 ऑटो की कंपनी मारुति और टाटा मोटर्स, यहाँ पर भी फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बन रही है, आते शॉर्ट कवरिंग काफी हो रही है। शॉर्ट कवरिंग और ताजा खरीदारी में सिर्फ एक दम का फर्क होता है कि कौन कितनी तेजी से चल सकता है। शॉर्ट कवरिंग अमूमन शॉर्ट लिव्ड होती है, इसलिए इनमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बैक टू बैक रखने होंगे। जिस शेयर में शॉर्ट कवरिंग अच्छी हो रही है वह बजाज फिनसर्व, अल्ट्राटेक सीमेंट और साथ ही सिटी यूनियन बैंक। अब आते हैं वीक काउंटर्स कौन से। आज शुरुआत में बिकवाली कहाँ पे खुली है, परसिस्टेंट के अंदर खुली है। इसके और पीयर्स भी हैं जैसे इंफोसिस, एसएलटेक, विप्रो, टीसीएस, ये सब भी सब आज वीक खुल रहे हैं। एम्फेसिस भी उसमें से एक है, ये भी आज करीब 2.5% नीचे है। साथ ही एलएनटी ग्रुप की कंपनी है एलटीआईएम, वहां पर भी आज करीब 2% तक के आसपास की गिरावट है शुरुआत में ही। ये कुछ शॉर्ट्स के शेयर है। अब आते हैं अनवाइंडिंग के शेयर्स पे, बी सॉफ्ट टूट रहा है आज। इसके अलावा जो शेयर जुबिलेंट फूडवर्क के अंदर हल्की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। कुल मिला के मार्केट्स में आज सीमेंट, अडानी ग्रुप के शेयर्स और डिफेंस के शेयर्स का बोलबाला है। यहाँ पर खरीदारी और थोड़ा बहुत पावर कंपनीज के अंदर है और ऑटो कंपनीज के अंदर। इसके अलावा ज्यादातर सेगमेंट या तो बिल्कुल सुस्त है या फिर ब्लू रेंज में है।